वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुस्तफ़ा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो आपके सामने बैठी हूँ। YouTube फैमिली से पूछो कैसे हो आप। YouTube फैमिली कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी कहाँ जा रहे हो? ये अभी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ और कल से जो है मेरा लास्ट पेपर होगा। तो फिर वैसे तो छुट्टियाँ हो गई हैं, सिर्फ मैं पेपर देने जाता हूँ, उसके बाद से मैं 2 महीने ट्यूशन और स्कूल कहीं नहीं जाऊँगा और फिर मुझे आज़ादी मिल जाएगी 2 महीने की फिर से छुट्टियाँ जी, है ना। फिर तो हमें सऊदी से ही नहीं आना चाहिए, आपके पेपरों की वजह से हम आए हैं वापस, पता है आपको, आपकी पढ़ाई की वजह से वापस है, वरना 2 महीने फिर से छुट्टी, हम वहीं पर रहते। हमारा तो वीजा भी है, हम फिर भी चले जाएंगे। हाँ, फिर जब दिल करेगा फिर चले जाएंगे। ठीक, बाय बाय मुस्तफ़ा, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी क्या मेरा डेली का काम है, मैं छत पे आ जाती हूँ और यकीन करें आज जो मौसम है, आपको रोज़ बताती हूँ ना, आज सबसे ज़्यादा प्यारा मौसम है और बादल बने हुए, जैसे आज बारिश होने वाली है, बहुत प्यारा मौसम। ऐसी ठंडी हवा चली हुई है ना, दिल कर रहा है कि ना बाहर ना समंदर पे जाकर ऐसे सुकून से जाकर बैठ जाओ। तो फिलहाल बच्चे भी ट्यूशन गए हैं और बाबर की फैमिली को मैंने गिफ्ट उनके दे दिए थे जो मैं सऊदीया से उनके लिए लाई थी। दिलबर की फैमिली को बच्चों को उनको मैंने अभी तक नहीं दिए, उनके गिफ्ट पड़े हैं वो लेकर जाने हैं। और दूसरी बात, कल जो है ना दिलबर की जो वाइफ है वॉशरूम में उनका पाँव स्लिप हुआ, तो उनको भी ज़्यादा जो है ना चोट लगी है, तो उनके लिए भी मैंने जाना है अभी। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, आएंगे तो फिर मैं और आयत बच गए हैं, तो आप मुझे और आयत को ले जाएंगे। इसके अलावा जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं मौसम को बहुत इंजॉय कर रही हूँ और जो जो कराची में है ना उसको पता होगा कि कराची का मौसम आजकल बहुत खूबसूरत बना हुआ है। बादल ऐसे बने हैं जैसे अभी बारिश होगी। मैं बैक वाले कैमरा से आपको दिखाती हूँ। लेमन तोड़ा आए बुरी बात, इसकी नजर पड़ गई और इसको ना ये लेमन चाहिए, लग जाएगा। नहीं आया, एक तो लग नहीं रहे, ऊपर से जो लगे हैं वो भी तोड़ रही हो। मुर्गी कहीं की, मुर्गियों ने भी सारा इसको गंजा किया। वाप आ गई हो? हाँ, फूल है। देखे यहाँ का मौसम, बादल कैसे ऐसे काले काले बादल बने हुए हैं, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो देखो बारिश होती है या नहीं होती है, ये बादल बरसते हैं या नहीं बरसते, फिलहाल तो बने हुए हैं। यहाँ से सारे ये कपड़े भी निकाल देती हूँ क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं। और हवा देखी इतनी तेज है, मैं जैसे आई हूँ ना, ये कल धुले हुए कपड़े थे सारे वहां तक घूम रहे हैं। रानी मामा की रानी, छुप के क्या रहा था? हाँ, ये शावर है, कहाँ गया है? आपकी बहना कहाँ है? बीए बा ची चैन। फिलहाल सारे कपड़े जो है ना निकाल के मैं जमा कर लेती हूँ। क्या हुआ अपने आये? हाँ, एग वॉश करने आई हुई हूँ। बच्ची मैं क्या करूँ आपका? छोड़ दो। आपको वॉश हैंड करना है या फिर एग वॉश करना है? हाँ, एग वॉश करना है, नहीं आएगा पानी, छोड़ दो। एग जो है ना फ्रिज से निकाल के खेलती रहती है, करती है ना मेरे कपड़े निकालने तक। आ कैसे गई हो नीचे? हाँ, और सारे एग भी निकाले हुए हैं। बन गई हो? ये मॉन्स्टर बन के मुझे डरा रही है कि मुझसे एग क्यों लिए। हाँ, शरारती गुड़िया, एक जगह से पकड़ के आओ दूसरी जगह पहुंच जाती है। पर आए हुए हैं गिफ्ट कुछ, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अलावा ये भी कुछ देर पहले ही कोई सब्सक्राइबर आई हैं जो नीचे देकर गई हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना प्यार देते हो। अगर ये नहीं भी दोगे ना तब भी मुझे यकीन है कि आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो। ये सुबह सुबह के टाइम पर आई थी, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, अभी तो शाम हो गई है, तो ये उस टाइम मुझे देकर गई है। तो ये था और साथ में जो है ना ये कुछ गिफ्ट लाई तरह का, इसमें ये एक ड्रेस है, ऐसे फैंसी ड्रेस है, और निकाल के दिखा देती हूँ। कलर भी इसका बहुत प्यारा है, वैसे ये वाला कलर ना मैंने कभी पहना नहीं है। अच्छा, ये कलर है इसका इस तरीके का, फैंसी है, मतलब शादियों में पहनने का है। और इसके साथ ये भी स्लीव्स होंगी या बैक है इसका, और ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है मेहरून कलर में। साथ साथ मेरे लिए ये बैंगल्स भी लाई हैं और पूछ रही थी कि साइज का पता नहीं, तो साइज बहुत छोटा है, तैयबा को ही आ जाएगा। बस ये शुरू हो गई, खोलो। आवाज जो है ना, एक ये बैग लाई है, बैग भी बहुत प्यारा है और ये है भी। जी मामी, अब ये चूड़ियां जब तक खोल के नहीं दूंगी ना इसको स्कूल नहीं आने वाला। पहन लो ये गजरे, पहन लो, ये लो ये पहनो हैंड में, ये पहनो बस। बड़ा बड़े साइज का है बैग, जो के पहले मैं बड़े साइज के बैग बहुत उठाया करती थी और अब इतना मैंने उठा। नो, इतने पूरी बैंगल्स पहननी, माशाल्लाह लग कितनी प्यारी रही है, शहजादी लग रही है मम्मा की। इतना शौक था, निकाल लिया, अब ये पूरा दिन यही करेगी, इसको पहनेगी और निकालेगी। नहीं है, नहीं है। इसको लगता है मम्मा मुझसे छीन ना लेके, जाओ जाओ।
अच्छा जा रही हूँ हाँ लेके आ गई न्यू बाइक आई है मेरी न्यू बाइक। अच्छा इसकी न्यू बाइक आ गई और इसका क्या है? हाँ अच्छा एकदम से मैं वो शोर मचा के सारे आ गए। इसने क्या लिया है? अच्छा चलो अभी मुझे ऐसा कौन से बताओ, इसने मोबाइल लिया तुमने लिया है? मैंने बाइक लिया न्यू। अच्छा माशाल्लाह मुबारक हो। और इसने प्रो मैक्स माशाल्लाह मुबारक हो मुबारक। अभी तो फिर दावत पे लेकर चलने वाली हो। मैंने खुशी ली है, खुशी बस बस रहने दो। नहीं दावत हम खाएंगे। जो वो कबाब याद है ना, कितने अच्छे थे वो। हाँ वही वाले। तुम 12 प्रो मैक्स लेकर खड़ी हो, दावत तो बनती है। 1 to 5 लड़कों की जान। मैं तो पहले बोलता हूँ नैना वाला महंगा है, इसका सस्ता है। लेकिन मैंने ना सबसे ना वो भिखारियों के घर भीख मांग के लिया। ले तो लिया, मैंने भी मांगी है। कितनी तो नहीं बची, लिया तो है ना। ऐसे ही हूँ ना मैंने। असल में पता है मसला क्या है, घर में किसी की भी कोई चीज आती है ना, हम सब मिलकर सब मिलके खुश भी होते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। और अल्लाह करे कि कल हमारी गाड़ी भी आ जाए। हाँ कल एक और पार्टी हो जाएगी। और जैसे वो हमारी पार्टी खत्म होने वाली है, ऊपर 8 लाख वाली आ जाए। 8 लाख भी आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कल इसके आ जाए, जो ना घुमाने भी ले जाए ना। हाँ गाड़ी पे घूमने जाए, लोग भी परेशान हो गए। घर 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 नहीं नहीं फिर जाएंगे। फिर हमें कहाँ ले जाओगे? कश्मीर। हाँ जहाँ पे भी बोलो कश्मीर जाए। कश्मीर तो बहुत जाने का दिल है, इंशाल्लाह कश्मीर चले। हाँ कश्मीर जरूर। हाँ हाँ सुनाओ गाना। हाँ वही सुर में सुना दो। बस बहुत हो गया, बहुत अच्छा गाना है वैसे। आज मोबाइल आ गया, बाइक आ गई। सबसे हम सबसे ज्यादा तो आयत खुश है। वो देखो वो देखो कहीं भी साथ ले आयो। चलो नीचे चल के बाइक देखा है। हाँ कहाँ चलो चलो तो हाँ हाँ चलो आयत को जूते पहनाते हैं जी। अच्छा ये उठा दूं, ये लो। इन सब ने अपनी खुशी के साथ साथ मुझे भी जो है ना रेडी कर दिया कि साथ में नहीं चलो मोबाइल लेने चल रहे हैं और उसके बाद फिर बाहर खाना खाएंगे। तो इसके साथ साथ मैं गिफ्ट दिखा रही थी तो मुझे साथ में ये बात ज़रूर करनी थी कि सबका ये जहन बन गया है कि जो भी चैनल वाले आ रहे हैं मेरे पास गिफ्ट लेकर आ रहे हैं कि आप हमारे चैनल का बता दें। तो प्लीज़ आप गिफ्ट मत भिजवाएं। मैं वैसे मुझे बहुत अजीब लगता है कि सबके दिमाग में ये आ गया कि अभी जो है ना गिफ्ट देंगे तो हमारे चैनल का सितारा बताएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आप प्लीज़ मेरे लिए गिफ्ट मत भिजवाएं, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए। उससे बेहतर है कि आपका जो भी चैनल है आप उस पर और अच्छे से वर्क करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए और आप सबका प्यार मेरे लिए गिफ्ट से बढ़कर है, गिफ्ट कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल नीचे सब वेट कर रहे हैं, मैं नीचे जाती हूँ और इनकी वजह से ये है कि मेरा दिन थोड़ा सा अच्छा गुजर जाता है। मैं घर पे ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। फिलहाल बाहर चलते हैं, देखते हैं इन्होंने नीचे भी इतना हल्ला गुल्ला किया ना, बहुत शोर। गली में भी ये लोग बहुत शोर करते हैं। चलो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं तो ये भी सब साथ चल रहे हैं। बाइक है, बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीब करे, ऊपर कवर भी ले लिया इसका। ये देखो हमारे बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ये जो है ना ये चांदी के लगे उसके। ये चांदी का लग रहा है, चांदी का लग रहा है। वैसे बच्चों को तो यही लगेगा कि ये सारा जो है ना ये चांदी का है। दिल पर तुम्हारी बाइक को देख के ना शायद मेरी कार का दिल करे कल आ जाए। कितनी बाइक है मुस्तफा? बहुत भारी बाइक। भारी है, कंफर्टेबल है। हाँ तो शाहरुख के साथ आ रही है ना आज, शाहरुख की दो चूड़ियाँ पहनी हुई है। नहीं उतारी चूड़ियाँ, सारी चूड़ियाँ पहन के आ गए जो है ना अपनी बाइक को मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। अच्छा आपको भी आगे बिठाती हूँ, इसको बिठा दें। तो मेरे साथ बैठो, नहीं इधर इधर आ जाओ। चलो बैठ जाएंगे सारे।
बाइक जो है ना बहुत कंफर्टेबल है बाबर दिल भर की इतनी बाइक जा रही है सिर्फ आईफोन ने वो लेने के लिए आईफोन मोबाइल कहेंगे पहली दफा लेने आए हैं नहीं हम प्रोटोकॉल देने जा रहे हैं नैना को कोई छीन ना ले नैना से हाँ अभी हम आ गए हैं मोबाइल मार्केट में आए अच्छा अभी हम उसी शॉप पर आ गए हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी पहला अपना आईफोन लिया था और उसके बाद जितने भी हमारे साथ साथ चैनल खुले हैं ना सबके यहाँ से ही हमने आईफोन लिए हैं और अभी आज नैना की बारी है तो नैना के लेने आए हुए हैं अस्सलाम भाई कैसे हैं ठीक है अल्लाह का शुक्र अभी आईफोन लेने के लिए ये पूरी बारात आई है वही मैं देख रहा था मैंने कहा एक आईफोन के लिए बच्चे भी आए हुए फ्यूचर कस्टमर हमारे इसलिए तो मैंने कहा ये पूरी आपकी शॉप भर गई है एक मोबाइल लेने के लिए आए हैं क्या मेरा आईफोन नैना का नहीं है मेरा है मैंने आज लिया नहीं नहीं नैना अभी अनबॉक्स करेगी इसको हेलो नैना अभी अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने लगी है नैना कितनी खुशी हो रही है बहुत ज्यादा है ना पहली दफा आईफोन लेने की बहुत ज्यादा खुशी होती है दिखाओ कलर दिखाओ इसका बहुत प्यारा कलर है ये भी मॉन्स्टर आ गया आपका हाँ और अभी तक यहाँ पर पेमेंट हो रही है अभी तक मोबाइल की आईडी बन रही है सारे अभी वेट कर रहे हैं बैठे हुए हैं लाइन से खुशी हो रही है ये इतने ज्यादा पैसे देकर कुछ हो रहा है मोबाइल चला गया इसमें चलो खुश होना आईफोन के लिए चलो अभी पार्टी है हाँ पार्टी भी है अभी सबर करो चलो अल्लाह हाफिज भाई अल्लाह हाफिज हो गए अभी दावत खाने के लिए जा रहे हैं नैना की नैना दे रही है या दिलबर दोनों में से कोई एक दे रहा है अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ये कौन सी टिक्का इन आज फर्स्ट टाइम आए हैं ना यहाँ पर पहली दफा आए हैं आप आ चुके हो मैं तो पहली दफा आई हूँ अच्छा है टेस्ट यहाँ का बहुत अच्छा नैना और वो शाहरुख तो गायब हो गए तो अभी उनको कॉल कर उठा ही दे हाँ उनको कॉल करो कि इधर ही आ जाए वो आगे चले गए दोनों पहले ही यहाँ पर आके बैठ गई है हाँ यार खाना लगवा दें आपके लिए तैयबा भी उनके साथ रह गई है ना एकदम चुप सबको चुप करा रही है अभी इनके लिए जूस लेकर आए तो अब सुकून से बैठे हैं इतना शोर कर रहे हैं ना वैसे जहाँ पर हम आए ना यहाँ पे शोर भी बहुत ज्यादा हो रहा है बंद है चेयर खींचो चेयर कोई प्लेट कुछ भी उठाते हैं इतना शोर होता है बहुत ज्यादा ये भी इसमें इतना नहीं आ रहा और यहाँ पर हमारा खाना भी आ गया है अभी खाना खाओ बस करो छोड़ दो इन चीजों को और अभी बस बिस्मिल्लाह करके सब अभी खाना अपना शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हम सब ने खाना खा लिए और यहाँ से अब निकलने लगे हैं खाना बहुत अच्छा था पेट भर के सब ने खाया बाबर साहब आगे चले गए और वो आज हमें बाबर अपने हाथों का शेक हाँ शेक पिलाने वाला है तो अभी घर पे चल के फिर शेक बनाएंगे हम पहुँच गए हैं बाबर दिलबर के घर पे क्योंकि बाइक कहाँ गई हाँ वो अभी आम लेने गए होंगे ना उन्होंने मैंगो जूस बनाना था बाय बाय कमली वालेकुम अस्सलाम कैसे हो ठीक ठीक हो मुस्तफा को अली देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अली की बहुत दोस्ती है ना क्या लगती है आपको ले चलें दुआ को पिछली बार नई सी टिकट नहीं हुई थी इस बार इसकी टिकट के पैसे हाँ। के साथ ले गए अच्छा मुस्तफा को पहली दफा कोई बच्चा अच्छा लगा वरना नहीं उठाता छोटे बेबी को दुआ कैसी है दुआ तो सबको पसंद आ गई हाँ हमारे घर चलोगी हाँ यार आयत भी खुश हो रही है ले चले खुश हो रही है छोटा बीबी ये तो डॉल है डॉल हमारी छोटी सी फिर बाबर देखिए मैंगो ले आया और अभी हमारे लिए मैंगो शेक बनाने लगा है ना ने वहाँ पे पिया था जहाँ पे हमने खाना खाया ना वहाँ का शेक अच्छा नहीं था तो बाबर ने कहा मैं खुद बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे का मजे का होता है मैंगो अच्छे आ गए हैं ना पाकिस्तान में मौसम आने वाले हैं मौसम आ गया है बस पहले शुरू में जब मैं आई थी ना थोड़े फीके थे अभी 8-10 दिन जैसे हुए ना मीठे आ गए अब अभी पंजाब में अभी देर है ना हाँ पंजाब में अभी भी मीठे नहीं है लेकिन यहाँ कराची में आ गए हाँ सिंध का अच्छा हुआ लाइट चली गई जैसे ही बाबर ने ये सारा कुछ यहाँ जमा किया मशीन में चीनी भी डाली दिखाओ दूध भी डाल दिया चीनी डालते दूध भी डाल चीनी है मैंगो है और लाइट उसी टाइम चली गई बस हमारे नसीब में आज नहीं था अब पीछे पीते रहना अभी हम जा रहे हैं टाइम तो मैं मजे करूंगा आ जाओ आया चले और मीर भी देखे सो रहे नींद में पानी पीना है अच्छा अच्छा घंटे बाद लाइट आएगी तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से चीज का हमारे पास हल है देखो बाबर बनेगा हाँ आज बाबर और दिलबर ने ठान लिया कि आज जूस बनेगा
ये मेरे पास है पर आप नैना लोगों के पास है। अच्छा दो दिन के पास हाँ, दूध मैं लेके जा रही हूँ। चलो हम पियेंगे भाई आज जूस। गर्मी से बुरा हाल हो गया। उसी टाइम ना वहाँ पर जूस पी भी रहे थे, नैना ने भी पिया, लेकिन वहाँ पे अच्छा नहीं था, टेस्ट गंदा था। तो बाबर ने कहा नहीं, हाँ उसी टाइम का हम लगे हुए हैं। आज तो बहुत लंबा हो गया जूस। शुक्र है कि हमारे घर पे लाइट आए, थोड़ा ठंडक फील हुई है यहाँ पर जाना। जी यहाँ पे लाइट थी, दोनों पंखे हमने ऑन किया। ग्लास लेकर आई हूँ, बाबर देखें शेक भी बना के आ गया, जो कि बहुत ही मजे का लग रहा है। और हाँ बहुत मजे का लग रहा है। वैसे बाबर बनाता है ना हमेशा, मेरा यही है मुझे यही मिलेगा। खट्टा होता है क्योंकि मैंगो खट्टा है, मैंगो मीठा है, खट्टा नहीं होगा। ये दिलबर को दे देना पहले, ये लो दिलबर। ठंडा जूस आ गया। तो घर में जूस बनता है ना, उसमें बरकत भी होती है। सबने पेट भर के पिए, दो ग्लास पिए और अब खत्म। अभी भी काफी बचा हुआ है, ये अब अपनी फैमिली के लिए लेकर जाना। चलो दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलबर। मेरा मन तो नहीं है घर पे जाने, और पीना। चलो पियो फिर, और मजा आ जाता है। हाँ ठंडा होता है ना गर्मी में, बहुत अच्छा लगता है। वैसे पीना भी चाहिए घर में, वैसे बरकत हो जाती है। घर में बरकत हो जाती है, काफी बच गया। घर के बाहर एक छोटी मशीन रख देते हैं कि जूस यूट्यूब भी चलाते हैं। हाँ बस यही रह गया अभी, यूट्यूब के साथ साथ जूस भी चलाना हो रहा है। तो जैसे बाबर दिल पर गए ना, फिर हमारे भी यहाँ पे लाइट चली गई। आज यही हो रहा है, कभी वहाँ पर आती है तो यहाँ चली जाती है। खैर रूम ठंडा था ना, तो फिर मुझे नींद आ गई और मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। तो मैं अपना व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। इसके अलावा मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए अपनों के साथ मिलके, तो बहुत अच्छा लगता है। अपनों को भी ऐसे फील कराते हैं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं हर खुशी में, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा गिफ्ट के लिए जो मैंने आज रोका था, तो उसके लिए सॉरी, किसी को ज़्यादा दिल पर नहीं लेना। मुझे बस ये अच्छा नहीं लगता कि मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। तो वही आप अपने चैनल पर काम करो और गिफ्ट देने की बजाय, मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी से लूँ, लेकिन वो फिर भी लेकर आ जाते हैं, नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चैनल्स की प्रमोशन मैं नहीं करती, क्योंकि फिर सब नाराज़ होते हैं। मेरे ख़ानदान में हर कोई नाराज़ होता है, आपने उसका किया, मेरा नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुझे चैनल की प्रमोशन नहीं करनी। अपना 100% दो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा हाँ, जो मुझे ऐसे मिलते हैं उनसे बड़ी खुशी होती है, और जो चैनल के लिए मिलते हैं उनके लिए मेरा दिल थोड़ा सा वो होता है कि नहीं आप ने वो करो, ठीक है। बाकी किसी को दिल पर नहीं लेना, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, सबके नसीब प्यारे करे। और इसके अलावा छोटी छोटी खुशियों को ऐसे सेलिब्रेट करते रहिएगा। अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।